तो गाइज हमारा प्लान बना है अब कहीं जाने का। उस जगह का नाम क्या है भाई बताओगे आप? तो गाइज गर्मी लग रही थी तो मैंने जैकेट निकाल दी। नॉर्मल रास्ता है ना वो वाला, वहाँ से हमने अवॉइड किया क्योंकि फिर घूम कर जाना पड़ता तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। भाई लोगों ने कहीं घूमने का प्लान बनाया है तो वहाँ जाते हैं फिर बताते हैं भाई कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम ऊपर आ गए और अब हम इस तरफ फिर से जा रहे हैं तो अब देखते हैं कहाँ जाने का क्या प्लान है। तो गाइज हमारा प्लान बना है अब कहीं जाने का। उस जगह का नाम क्या है भाई बताओगे आप? रमेश भाई उस जगह का नाम तराड़। तराड़ है जो यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर नीचे जाना है। शादी अगर हम यहाँ से करीब 1 किलोमीटर पीछे छोड़ कर आए हैं और जहाँ रुके हुए थे वो अभी जस्ट ये यहीं है पास में, तो हम तराड़ जा रहे हैं। तो भाई अभी हम खाली थे क्योंकि शाम को निकलेगी यहाँ से बारात 5-6 बजे, तो तब तक तो यहाँ पे कोई इतना वो है नहीं, तो अब वहीं के लिए हम निकल पड़े हैं पैदल ही। हाँ क्या बोल रहे थे? तराड़ जाएंगे आराम से, मंदिर के में दर्शन कर जाएंगे भगवान जी के। अच्छा तो अब ये हमारा प्लान बनाया तो जा रहे हैं रास्ते में, और रास्ते में कुछ इस तरीके का व्यू है भाई। तो भाई तराड़ जा रहे हैं और नीचे जाते समय हमको अभी लग जाएगा करीब 15 में आध घंटा के समथिंग लग जाएगा। तो चलते हैं वहीं जाके और फिर देखते हैं भाई कैसा क्या वहाँ का माहौल है, क्या व्यू पॉइंट है, तो आपको भी हम दिखाएंगे वहाँ का कैसा क्या नज़ारा है। तो गाइज अभी हम रास्ते में चल रहे थे तो एक व्यू पॉइंट बहुत अच्छा मिला भाई, यहाँ से है बहुत बढ़िया। और जो शादी हो रही है ना वो घर दिख रहा है ये वाला, यहाँ से हमको अभी 1.5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ेगा। तो ये यहाँ का भी पुल है बहुत बढ़िया लग भाई, देखो साथ में मकान कुछ बने हुए हैं इस तरीके से। अच्छा ये एमपी की है? अरे हाँ यार, कहाँ से हो आप? कौन से एरिया से? अच्छा आप यहीं के हो। तो भाई एमपी की मोटरसाइकिल यहाँ पर रखी हुई थी तो पूछा, साथ में आप भी चलोगे भाई जी? नहीं आप घूम के शादी में आ जाओगे। चलो जी चलो, तरफ छोटी सी मार्केट है लग रहा है, यहाँ पे कहीं रुकेंगे यहाँ पे। चलो जल्दी चलते, यहीं से है क्या यही रास्ता है? तो शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे हम, शॉर्टकट अपना मेन रास्ता तो ये है बट शॉर्ट रास्ता ये है यहाँ से। एंड जुगाड़ बहुत ही सुने हुए नाम है ये। बिल्कुल कैसा लग रहा है ट्रैक करके? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजे लीजिए आप। और एक रूम साधारण, कुछ साधारण वाला तो 20 बजे को 50 में चले जाना, अगर जो बैटरी वाला होगा तो उसमें भी ज़्यादा। भाई इस तरफ मकान बने हुए हैं और इस तरफ देखो खाई वगैरह बहुत सारी नहीं बहुत बड़ी खाई है। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे इस वीडियो को, इस ट्रिप को। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बटन नीचे दिया गया है लाल वाला उसको ज़रूर दबाना यार। और आगे चलेंगे और अच्छे अच्छे आपको व्यू पॉइंट दिखाएंगे। तो ये उत्तराखंड की मेरी फर्स्ट ट्रिप है और इस तरीके से एक्सपीरियंस है। तो छोटे छोटे मकान यहाँ पे हैं और यहाँ पे रहते भी लोग हैं भाई यहाँ पे। लेकिन लोगों को एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है, क्या चैलेंज होता है आप बताओगे? कि जो नीचे लाने के लिए, हाँ, जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। हाँ जो नीचे मगर अगर रोड पे है तो ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे कि नीचे बने हुए नीचे, जो गांव हैं आपको दिख रहे हैं वो छोटे से दूर से छोटे, वैसे पास जाएंगे तो बड़े ही हैं बट यहाँ से तो छोटे दिख रहे हैं। तो वहाँ पर उनको राशन पानी लाने में या कुछ सामान लाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आनंद पहाड़ों का वही है, बट ये है कि हाँ अगर यहाँ रहोगे ना तो भाई आनंद नहीं बहुत ही सुकून है यहाँ पे, प्योर ऑक्सीजन मिलेगी, सब कुछ खाने पीने में कोई मिलावट नहीं, सब कुछ प्योर मिलेगा यहाँ पे क्योंकि यहीं पे उगता है और यहीं पे सब कुछ
होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे तो नहीं होता बट आसपास कहीं ना कहीं तो होता ही होगा। तो और आगे चलते हैं भाई, ये छोटी सी ट्रैकिंग है भाई, यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। तो देखते हैं और आगे चलते हैं भाई कैसा क्या माहौल है। और अब हम आ गए हैं भाई बीच का बीच, एक पहाड़ी सा टुकड़ा है और दोनों तरफ खाई। मैं दिखाता हूँ आपको अभी कैसा क्या माहौल है यहाँ का। इस तरफ देखो, इस तरफ खाई है, पहाड़ है, और इस तरफ यहाँ से भी ज़्यादा गहराई है। ये भाई व्यू तो भाई पहली बार देखा है मैंने भाई। यहाँ से गए तो समझ लो कहानी ख़त्म। हाँ, दिखाओ भाई, दिखाओ। ओहो ओहो, हेलो। और यहाँ पे हम साथ में चार हैं, एक मैं और तीन और भाई। और ये भाई यहाँ का कुछ नज़ारा है इस तरीके का, यहाँ पे कुछ मकान बने हुए हैं और वो वहाँ से हाईवे गया हुआ है, यहाँ से होते हुए बीच से रास्ते से होते हुए गया है। जो हम आए हैं वो शॉर्ट रास्ते से आए हैं, जो नॉर्मल लोग आते जाते रहते हैं। फिर भी ठीक ठाक बना भाई ये रास्ता, इतना ख़राब भी नहीं है बट। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी है, चलते हैं आराम से भाई। वो जहाँ हम जा रहे हैं वो जगह का नाम क्या है कि रमेश भाई, जहाँ जा रहे हैं वो क्या नाम बताया था? तराड़ जा रहे हैं। हाँ, और भाई धूप थोड़ा ज़्यादा निकल आई ना, तो थोड़ा सा गर्मी ही एहसास होने लगी। बट नीचे जाएंगे तो धूप थोड़ी कम होती जाएगी क्योंकि पहाड़ है ना, इसकी वजह से। और भाई ये वाले पेड़ सबसे ज़्यादा मिलेंगे आपको, ये वाले जो आपको आप देख पा रहे हो ना सामने, ये हर जगह मिल जाएंगे आपको। जहाँ भी देखोगे ज़्यादातर 80-90% पेड़ आपको इसी के मिलेंगे पहाड़ों पर भाई। और ये इस रास्ते से हम आए हैं, इस रास्ते जा रहे हैं। तो और आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको और आनंद भाई, मज़ा आ रहा है भाई। अब भी आइए और यहाँ का आनंद लीजिए, बहुत सुकून मिलेगा। और ये छोटे छोटे आपको फील्ड मिल जाएंगी, मतलब जो खेती टाइप के फील्ड होती है ना, यहाँ पे खेती वगैरह भी करते हैं। देखो यहाँ पे फील्ड, यहाँ पे कुछ होता होगा कुछ ना कुछ, तो जैसे धान वगैरह होगी, धान तो नहीं है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट गेहूँ वगैरह या कुछ और दाल वगैरह की जो खेती होती है ना वो यहाँ पे होती है, बट अभी इस टाइम तो कुछ है नहीं यहाँ पे। तो चलते हैं और आगे और दिखाते हैं आपको। तो ये बर्फ में होते हैं, ये बांस का पेड़ है, वो वहाँ नमी होगी, वहाँ पर शीर होगी, अच्छा, वहाँ पानी होगा, उसके नीचे पानी होगा बांस के पेड़ में। तो ये चीड़ के पेड़ बेकार होते हैं, बहुत बढ़िया लकड़ी है यहाँ, बस लकड़ी इसकी सही होती है ना। हाँ, लकड़ी तो धुआं होता है इसमें, और बांस के पेड़ की तो लकड़ी ऐसा कोयला होता है कि शरीर तक नहीं बुझता। अच्छा, सबसे बेस्ट लकड़ी है बांस की। तो अंकल जी ने बताया जो ये चीड़ की लकड़ी होती है भाई, ये जमीन को बंजर बना देती है। हाँ, और धुआं भी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, अगर जब जलाते हैं ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं। अच्छा, मतलब लकड़ी से जैसे वो टायर को जलाते हैं ना। हाँ, अच्छा, इस तरीके से। रोटी बनाओगे तो काली पड़ जाएगी। अच्छा, बांस की लकड़ी में रोटी बनाओगे। और ये पेड़ किस चीज़ के हैं अंकल जी? ये तो बेकार है, ये जंगलों में फॉरेस्ट पेड़ को लगाते थे की घास काटने चोरी से नहीं जाएंगे दूसरे गाँव के लोग, वो आदमी भी नहीं रहे, मगर पेड़ तो यहीं रहेंगे, पेड़ तो यहीं रहेंगे जो लगा के वो आदमी नहीं रहे। तो यहाँ पे खेती वगैरह होती है अंकल जी यहाँ? हाँ, होती है। तो घर के पिछवाड़ी ही अगर लहसुन प्याज भी लगाओगे उसको हाँ। भी खा जाएगा बंदर। अच्छा, धनिया तो नहीं होने देता, जैसे जमता है ना धनिया हाँ। तो हाथ से मीन जाता है उसको, अच्छी तरह घिस जाएगा वहाँ पर। अच्छा, मैदान का देगा खुशबू से पता नहीं क्या। तो ये जो सब्जी वगैरह है बाहर से आती होगी? सब रामनगर से। अच्छा, रामनगर से आता है, मंडी से, लालपुर से। अच्छा, मतलब यहाँ पे कहीं खेती वगैरह कुछ होती कुछ ही नहीं? भी नहीं होता यहाँ। अच्छा, कभी कभार किसी के अदरक हो गई हाँ। या किसी के अरबी हो गई बस। अच्छा अच्छा, ये दो तीन चीजें हैं हाँ, जो होती हैं। नहीं तो जो सुअर के खाने की सुअर खा देता है। अच्छा अच्छा, दिन में बर्नर कर देते हैं। अच्छा अंकल जी, एक चीज और सुनिए, यहाँ पे शेर बाघ वगैरह भी है क्या इस जंगल में, यहाँ पहाड़ में? मतलब लोगों से सुना है मैंने,
पेड़ को फल, हमारे घर के आगे अमरूद का पेड़ है, एक दाना नहीं मिलता। अच्छा, जैसे वो फूल पे लगते हैं पर ऐसे बंदर बंदर वगैरह खा जाते हैं। देखो ये बंदर अभी हैं तो बहुत परेशान है, मार्केट में मार्केट है, यहाँ तो पालतू बंदर हो गए। अच्छा, घर से सामान उठा के ले जाते हैं, बंदर को पैकेट ले जाते हैं, दम से खाते हैं। और आपका अंकल जी घर यहीं पर है? ये नीचे। अच्छा, नीचे गाँव है, मार्केट भी है। अच्छा, मार्केट भी है। हमारा घर कहाँ हुआ? हम मध्य प्रदेश है, खजुराहो छतरपुर। अच्छा, बहुत दूर से आए। हाँ, यहाँ पे शादी है दोस्त की। अच्छा अच्छा, तो यहाँ आए हमने। साथ कौन से गाँव में जाना है? गाँव में जाना नहीं, अभी पीछे है ना जो साल्ट, ये अच्छा शादी आज यहीं पर है शादी। अच्छा, ये यहीं पर। हाँ, ये मतलब वृद्धाश्रम जो है। हाँ, हाँ, इसी में शादी है। हाँ, इसी में शादी है, शाम को आएंगे। देखो अभी टेंट वगैरह सब सेटअप लग रहा है। कुमार वो द्वारगत की लड़की की बारात तो आ रही है वो। हाँ हाँ, वही 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 वही। हाँ, हाँ, तो अभी हम लड़की की तरफ से हैं, वो वही अभी। अच्छा, इसमें घूमने आ रहे हो? हाँ, तो हमने अभी खाली टाइम था, वहाँ पे सारी रस्में पूरी हो गई। हाँ, यहाँ तो कितने पैसे खर्च कर देते, अभी हाँ तब नहीं मिलता। आपने सही बोला, हमने कही इस समय को सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए। हिमालय पर्वत सामने दिखाई दे रहा है। हाँ, हिमालय पर्वत दिख रहा है, जहाँ शंकर भगवान का। हाँ, स्थान। अच्छा, और कैलाश पर्वत भी इसी तरफ है ना? यही तो है कैलाश पर्वत। अच्छा, यही है। अच्छा, यही है कैलाश पर्वत। महादेव। अच्छा, ये कैलाश पर्वत है। अगर आप देख कर रहे होंगे इसको, तो जो हिमालय है ना, हिमालय है हमारे उत्तराखंड में है, देवभूमि का नाम है इसका, 13 जिले हैं, देवभूमि के नाम से जानी जाती है। अच्छा अच्छा, ऊपर मार्केटों में जाओगे हर जगह लिखा होगा चौराहों पर, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत। अरे वाह, देवभूमि है, यहाँ भूत प्रेत भी बहुत होते हैं। यहाँ देवता होंगे तो भूत प्रेत तो होने होने, यहाँ देवता होंगे तो राष्ट्र तो होने होने। बिल्कुल, क्यों? बिल्कुल, राष्ट्र हो गए और देवताओं की तो होती है लड़ाई। बिल्कुल, हमारे यहाँ जो मतलब नाचने वाले देवता होते हैं वैसे भूत प्रेत भी होते हैं, उनको आजमाते हैं वो। नाचे नीचे आ जाओ। अच्छा, नीचे कहाँ जा रहे हैं? नीचे से रास्ता, वहाँ रास्ता ठीक नहीं है, इधर से आओ, सड़क में आओगे नीचे। हम लोग वहाँ जा रहे हैं खजराल। अरे कहाँ जाना है हम लोगों को? अरे मोहर खेत तो चलो, मार्केट में चलो पहले, फिर जहाँ भी जाओ आज दोनों तरफ सड़क, इधर ही सड़क। हाँ, और ये क्या बताया था मैं रमेश, इधर से ढाई मैं करताल, क्या तलाल? तलाल अंकल जी कितनी दूर है? तलाल, तलाल तो बहुत दूर है नीचे। अच्छा, नीचे बहुत दूर है वो, यानी फिर भी गाड़ी लगती है सचिकाल से। अच्छा, अगर पैदल जाएं तो कितना टाइम लग जाएगा? पैदल जाओगे तो 3-4 घंटा लग जाएगा। ओह, तो बहुत टाइम है यार, लग जाएगा। वापस लाने तो 5 घंटे भी लग सकता है, जाने में 2-3 घंटा लग सकता है। ओहो, तो भाई अब और तरीका सोचना पड़ेगा यार, अंकल जी ने बताया तो। यहाँ से तो डिस्टेंस काफ़ी दूर है पैदल में, वैसे तो दूर है नहीं, लेकिन यहाँ ऐसे उल्टे सीधे रास्ते हैं ना पहाड़ी वाले, तो उसमें टाइम लग सकता है। तो और आगे जाते हैं, अब और तरीका देखते हैं भाई। रमेश, और कोई तरीका है जाने का? तो भाई ट्रैकिंग करके आ गए और ये रोड पे आ गए हम वहाँ से घूमते हुए, और अंकल जी भी हमारे साथ जा रहे हैं। अंकल जी शायद अभी नया नया रास्ता बना तोड़ के। अच्छा, एक बार मैसेज से बात कर लीजिए, मैसेज में बता। तो चलते हैं और आगे और दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें यहाँ की, ट्रैकिंग छोटी सी भाई, क्या व्यू मिलेगा यहाँ पे गाइस। और ये पानी का प्लांट है जो पूरे रामनगर और पूरे रामनगर में, पूरे रामनगर में केवल इसी एरिया में सप्लाई होता है। ये यहाँ का पानी कहाँ कहाँ तक जाता है? ये तो पहाड़ों में ही जाएगा, इधर मानीला जाएगा। अच्छा, सारी जगह। तो ये रामनगर में है वो, कोसी का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये कुमार में पूरी जगह सप्लाई होता है यहाँ का। शाम को तुम खाना खाओगे जहाँ ये रहोगे वहाँ का ही यही पानी तो है। पूरा पूरा पानी यहीं से सप्लाई होता है, यहाँ से फिल्टर वगैरह होता है कि सीधे सप्लाई भर केवल? फिल्टर तो हुआ है। हाँ, अच्छा, वो तो ऑलरेडी से। हाँ हाँ, पहाड़ों का तो पता ही, फिल्टर होने की जरूरत है नहीं, कोई फिल्टर मशीन नहीं लगती, कोई बिल्कुल फिल्टर मशीन नहीं, केवल सप्लाई होने के लिए यहाँ पे प्लांट बनाया गया है। और सीधे ये पूरे कुमार में और जितने नियर बाय जितने भी गाँव में हरी हरी नजर आएंगे आप। बिल्कुल, तो ये हर जगह सप्लाई होता है यहाँ की, कुछ ये खास बात। ये इधर को उधर को। अच्छा अच्छा, ये की सड़क भी है यहाँ पे नीचे की
पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर सड़क है या नहीं भी है, पता नहीं चल रहा है पेड़ों की वजह से। तो ये जो एक और रास्ता गया है ना वो अंकल जी, तो वो हाईवे है, ये हाईवे वाला नहीं, ये नॉर्मल है ना, लोकल लोकल रास्ता है। पहले तो ये हाईवे था, अब हर कोई सड़क के रास्ते निकल जाता है। अंकल ये जगह कैसी है, मतलब यहाँ पे खेत है तो सही बंजर हो रहे हैं, खास काट रखी है उनकी। अच्छा, खाली बंजर है। अच्छा, ये जो खेत दिख रहे हैं ना ये बंजर तो पहले होते थे, अब नहीं होते ना अंकल जी यहाँ पे, अब तो बंदर और सुअर। अच्छा, इन्होंने बर्बाद कर रखा है बंदरों ने और सुअर ने। फायदा क्या हुआ, ये की रात में खाली कर जाएगा तुम्हारे खेत को। ओहो, खाली बोलने से फायदा क्या हुआ, तो नहीं रखवाली, नहीं तो रखवाली नहीं कर सकते क्या, और भी करेंगे कौन। अरे जाली लगा दे चारों तरफ, कैसे कहाँ से आएंगे, जैसे गांव तरफ कैसे होते हैं, चारों तरफ जाली लगा होता तो कोई आता। हाँ बात तो आपकी भी सही, उसको भी रहते हैं। हाँ बात सही है, और बीच पहाड़ में भाई ये आदमियों को ऑटो को खा रहा है। अच्छा, और देखो यहाँ पे भैंस वगैरह भी है भाई, क्या नज़ारा है बीच पहाड़ियों में। यहाँ का कुछ इस तरीके से ये मकान बना हुआ है यहाँ पे, ये दुकानें बनी। और ये कौन सा गांव है, मार्केट ही है। अच्छा मार्केट है, तो इसका कोई, अच्छा यहाँ पे सब्जी वगैरह। अरे भैया काहे को बना रहे हो वीडियो, हेलो आज रहे। हाँ जी, बस ऐसे ही घूमते फिरते आ रहे हैं। ये मध्य प्रदेश से आए, मध्य प्रदेश से आए। अरे ये भवन कहाँ बिठा रहे हैं, बताए सुनते, बस ऐसे ही बना रहे हैं यूट्यूब पे वगैरह पे डाल। यहाँ कैसे लोग रहते हैं, हाँ यादगारी तो ले जाओ। हाँ वही तो, घूमने आए तो टाइम पास करना है ना, टाइम पास नहीं करना, टाइम पास एक अलग चीज है, घूमना फिरना और उसका जा रहे हो घूमने के लिए आए। शादी है भाई के पीछे हमारे दोस्त। हाँ शादी यहाँ पीछे, यहाँ पे एक सब लोग बैठे हुए थे, निकलने कोई नहीं आ रहा। तो भाई लगता है यहाँ पे कौन है, तो भाई यहाँ पे एक छोटी सी कॉलोनी है, और अंकल जी जो भी हमारे साथ आ रहे थे वहाँ से, तो वो रहे अंकल जी आगे। अंकल जी यही आपका मकान है? हाँ, ये हमारा तो कारोबार चल रहा है। अच्छा काम चल रहा है आपका है। अच्छा यहाँ आपका मकान बनेगा है? अच्छा 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 तो ये एक छोटी सी कॉलोनी और ये मार्केट। अंकल जी जगह का नाम क्या है? महरखेत जनता खाल। अच्छा महरखेत जनता खाल, वहाँ पे बैठे हुए हैं वहाँ से महरखेत जनता खाल, यहाँ का ये नाम है छोटी सी कॉलोनी का। हाँ जी, हाँ भाई की दुकान तो खाओ। अच्छा चलो, हम कभी भी आए तो ये दुकान है, भाई जी बुला रहे हैं थोड़ा उनसे मिलने के लिए। ये यहाँ की दुकान है, रेडीमेड कपड़े की दुकान है। हाँ जी कैसे हैं आप? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बस यहीं से घूमते हुए आ रहे थे, यहाँ पर शादी वगैरह है ना, एक भाई दोस्त की, तो आए हमने सोचा कभी टाइम था तो हमने कि चलो घूम फिरते निकलने आते हैं। मेरा नाम मोहन चंद्र है, पंत फैशन पॉइंट के नाम से हमारी मार्केट बहुत अच्छी है, हर दुकान है हमारे यहाँ, होलसेल पर सारी चीज मिलती है सारी। चलो फिर चलते हैं और मिलते हैं। और लेडी ज्वेलरी भी हमारे पास है। अच्छा अच्छा, और आपका नाम, मैं भूल गया आपका नाम, मोहन चंद। अच्छा जी चलो तो फिर बाय बाय। तो मोहन चंद की शॉप थी रेडीमेड की कपड़े वगैरह की, तो कभी भी अगर आप इस जगह पर आए, अगर आपको कपड़ों की अगर ज़रूरत पड़े, जैकेट वगैरह जूते वगैरह या कुछ तरीके से यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो भाई ये यहाँ का कुछ व्यू, ओहो ये एक रोड यहाँ पे निकली हुई है, और यहाँ पे काम चल रहा है, रोड और बनता जा रहा है यहाँ पे भाई चारों तरफ। ये अभी कच्चा रोड है भाई। तो भाई कैसा लग रहा है? एकदम मस्त मस्त, मजा आ रहा है ना, मस्त एकदम। थकावट तो नहीं हो रही? ना बिल्कुल नहीं, हम तो चलते हैं, थकावट आप सोच आओ। आगे के मजे लेते हैं थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा नहीं अब नीचे देख के चल रहा। हाँ बिल्कुल, तो चलते रहते हैं आगे, और आप भी कंटिन्यू बने रहिए, और ऐसे ही मजे मजेदार आपको भाई व्यू दिखाते रहेंगे, जगह दिखाते रहेंगे, टूरिस्ट पॉइंट दिखाते रहेंगे। वैसे यहाँ पे ऐसा कोई टूरिस्ट पॉइंट है तो नहीं,
बट भाई टूरिस्ट से कम जगह है भी नहीं यहाँ पे, लोग इतना फेमस तो कुछ है नहीं खास, बट भाई बहुत ही अच्छी जगह है यहाँ पे। अगर आप कभी भी आएँ तो मतलब आनंद ही आ जाएगा, और अगर ऊपर आप कैंपिंग वगैरह करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। ऊपर जगह है, पहाड़ पर है, और भी कई सारी जगह हैं जहाँ हम अभी रास्ते में आ रहे थे ना, वहाँ पे भी अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ आप कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो अभी हमारा तो ऐसा कोई प्लान है नहीं, क्योंकि हम किसी और उसमें आए ना, शादी वगैरह में। तो अगर कभी भी और हम कहीं जाएंगे ना तो हम कैंप वगैरह का सोच रहे हैं, वो भी अब भाई के साथ और भी आई है तो प्लान बनाएंगे कभी, तो आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। भाई कैंपिंग मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि मैंने तो कभी की नहीं कैंपिंग वगैरह, देखी ज़रूर है कि कैसी होती है। बट चलते हैं और आगे और दिखाते हैं आपको और सारी चीज़ें। सोचा था कि 2-3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट पता नहीं रास्ता कहां से कहां आ गए, 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। तो गाइस ट्रेवल करते करते हम एक और अच्छी लोकेशन पर पहुंच चुके हैं, चारों तरफ पेड़ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।